गुरु अक्सर उस ईश्वर को समझाने के लिए एक ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो एफोफेटिक है, एक ऐसी भाषा जो ईश्वर को उसके ना होने के संदर्भ में वर्णित करती है। ये हमें सत्य की ओर निकट ले जाती है, क्योंकि ये ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहती, ये कुछ भी साबित नहीं करती। ये वाया पॉजिटिव नहीं, बल्कि ये वाया नेगेटिव है। ये केवल वह कहती है ईश्वर ये नहीं है, ईश्वर वह नहीं है, ये केवल नकारती है। पश्चिम के संत अजनीस का कहना था कि ये उस व्यक्ति की तरह है जो एक संगमरमर की चट्टान से मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा है। वह चट्टान के टुकड़ों को छीलता है, काटता है, चट्टान के टुकड़ों को फेंकता जाता है, धीरे धीरे मूर्ति उभर आती है। जब तुम एक ऐसे गुरु के पास होते हो जो एफोफेटिक भाषा की कला को जानता है, और एक गुरु बिना एफोफेटिक भाषा के उपयोग को जाने गुरु नहीं हो सकता। अक्सर गुरु वाया नेगेटिव होते हैं, नीति नीति, ना ये ना वे। यदि वह कभी भी पॉजिटिव भाषा में बोलते हैं तो वह केवल नए शिष्यों के लिए, प्रारंभिक साधकों के लिए होता है, लेकिन उसके लिए नहीं जो प्रभु के मार्ग पर हैं, उनके लिए जो थोड़े और परिपक्व, थोड़े और केंद्रित हो रहे हैं, उनके लिए वह हमेशा नकारात्मक की भाषा बोलता है। वह हमेशा कहता है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वह अनावश्यक को खत्म करते जाता है, और अंत में जब वह सब कुछ खत्म कर देते हैं तो वह कहते हैं अब यही है, दिस इज इट। लेकिन फिर भी वे ऐसे वर्णन नहीं करते, वे केवल कहेंगे नाउ हेयर दिस साइलेंस, दिस इग्नोसिया, दिस इज इट। गुरु तुम्हारा सारा कचरा जला देगा और तुम्हें कुंदन बना देगा। सौभाग्यशाली है वो जो गुरु की छेनी से कटने के लिए तैयार है, वही एक दिन बुद्ध होंगे। प्रणाम।